दरभंगा जिला में अपराधियों का तांडव जारी है। पुलिस प्रशासन इस पर नकेल कसने में लगातार नाकामयाब साबित हो रही है। ताजा मामला बहादुरपुर थाना के सैदनगर स्थित मछली बाजार का है, जहां अपराधियों ने विभा इलेक्ट्रिक दुकान के मालिक राजू ठाकुर पर रंगदारी को लेकर गुरुवार की सुबह गोली चला दी। हालांकि दुकानदार ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और किसी तरह से अपनी जान बचाई। गोलीबारी के दौरान व्यवसायी मौके से भाग निकले, जिससे वह बाल बाल बच गए। वहीं सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मौके से एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। क्या घटना? गोली चलाया गोली। प्रमोद दास और भी कोई लिखे उनके साथ में? नहीं। कितने बजे की घटना है? ये करीबन 8 बजे की घटना। क्या कारण है कि आप पर गोली चलाई गई है? ये इससे पहले से अपराधी के बहुत सारे मामले दर्ज है, रंगदारी का मामला। रंगदारी मांग रहा है। कहाँ पे गोली चली है? तो कोका भी बरामद हुआ है? जी बिल्कुल, पुलिस के हाथ में है कोका। कौन सी थाना आई थी यहाँ? ये बहादुरपुर थाना एरिया पड़ता है और थाना पुलिस जो है लगभग आधा पौन घंटे की बात आई, जबकि मैंने 112 को भी डाल किया, लहरियासराय थाना को भी फोन किया, सभी आदमी ने फोन उठाया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। आधा पौन घंटे के बाद पुलिस पहुंची। तो फिर आप लोग ने क्या अभी रोड जाम किए हैं? जी हमने रोड जाम किया, उसके बाद फिर से पुलिस आई। कितना खोखा बरामद हुआ है? जी तो एक जिंदा है और एक खाली है, फायरिंग तीन हुआ है। किसके द्वारा बरामद किया गया? किधर भागे? किधर से आए थे और किधर भागे? वैसे बहादुरपुर थाना के पास खोखा है। आपका क्या नाम परिचय? जी मेरा नाम राजू है। कहाँ पे? जी मेरा दुकान है बेटा, मैं व्यवसाय करता हूँ समय वाटिका। ये कहाँ पर घटना हुई है? जी मेरा बेटा में दुकान है। यहाँ पे घटना जो हुई है ये बहादुरपुर में सैदनगर। क्या घटना हुआ है यहाँ पे? गोली चलने की घटना की सूचना मिली है, घटना के सत्यापन के पश्चात अग्रिम कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। क्या मैडम यहाँ रोड जाम किए हुए थे पब्लिक लोग? वो समझाने पूछने के बाद वो लोग हटा दिए। वो लोग का मांग है कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाए। क्या गोली भी बरामद हुई है? कितना बरामद हुआ है? एक जिंदा जिंदा का। क्या वो जिंदा भी है? क्या जिंदा का? कितने बजे की घटना है मैडम? क्या नाम हुआ? बहादुरपुर थाना अंतर्गत सैदनगर में मछली मार्केट में एक व्यवसायी के ऊपर गोली चलने की खबर आई करीब 8 बजे। घटना की पुष्टि करते हुए गश्ती गाड़ी के साथ जो है समय पे पहुंचे और यहां से एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है, जिसे विधिवत जब्त की सूची बनाकर लिया गया। अभी तक के जांच में आपसी विवाद को लेकर गोली चलाने की बात सामने आ रही है। उचित धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इस घटना में कोई भी जान माल की क्षति नहीं हुई।